हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है फिर से आर के बूस्ट में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक कैरेक्टर में किसी भी ऑब्जेक्ट को अटैच कर सकते हैं और कैसे उसे कैरेक्टर के साथ ही मूव कर सकते हैं। जैसे तो नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट के थ्रू मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कैरेक्टर के साथ उसे मूव करना है तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो देखिए आप क्या सीखने वाले हैं। तो देखा आपने इस वीडियो में कैसे सारे कैरेक्टर के साथ हमारे ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं, तो इसी तरह के कैरेक्टर के साथ आपको ऑब्जेक्ट अटैच करने के लिए देखिए हम एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट का यूज़ करेंगे जिसका नाम है चाइल्ड ऑफ। इसके लिए हमें सिंपली एक कैरेक्टर चाहिए, देन आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट आएगा, ये यह आप यहाँ से देख लीजिए। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक चाइल्ड ऑफ का ऑप्शन आएगा, चाइल्ड ऑफ पर आप क्लिक कर लीजिए तो इस तरह का कुछ हो जाएगा। अब चाइल्ड ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है, पहले हमारे कैरेक्टर को सेट कर दीजिए जैसे आपको करना है। तो सबसे पहले हम इसके रिपोज मोड में जाएंगे, देन गन को आपको कैसे पकड़ना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। हमें गन कुछ यहाँ पर चाहिए, इसके पोज मोड में जाएंगे, देन आप इसे ले आइए यहाँ। कुछ इस तरह से सेकेंड हैंड जो है वो सपोर्ट करते हुए दिखना चाहिए गन को, कुछ इस तरह से। परफेक्ट, बस यही मुझे चाहिए। चाहे तो करेक्टर को की फ्रेम भी कर सकते हैं, बट मुझे भी ऐसा ही चाहिए एज इट इज। अब आप यहाँ से अगर आपको फिंगर पूरा तरह से एनिमेशन दिखाना है तो आप इसको कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। इनको भी आप रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से दिखना चाहिए हमारा शॉट। ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट अब परफेक्ट तरीके से हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर से क्लिक करना है। यहाँ पर चाइल्ड ऑफ टारगेट पूछ रहा है कि किसके साथ हमें अटैच करना है ऑब्जेक्ट को। आप रिगिंग को सिलेक्ट कर लीजिए, नॉर्मली यहाँ से आई ड्रॉप को उठाकर रिग के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पूछेगा कि कौन सी बोन के साथ अटैच करना है, तो हम यहाँ पे अटैच करने वाले हैं फिंगर बोन के साथ। तो इन दोनों में से कोई सी भी बोन आप ले सकते हैं। तो इस अगर इसे लेना है तो यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या है, सी इंडेक्स 2.R, राइट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है हमें उसके साथ अटैच करना है गन को। तो सिंपली यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए इंडेक्स फिंगर, तो यहाँ पर वो फिंगर आ जाएगी, ये रहा सी डॉट इंडेक्स 2.R। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए गन थोड़ा सा अजीब सा हो गया, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली सेट इनवर्स करें, फिर से वो गन वापस उसी मोड में पहुंच जाएगी। अब आप यहाँ से जैसा भी सेट करेंगे गन हमेशा वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये हो गया। अब देखिए गन हमारे कैरेक्टर के साथ चल रही है नहीं,
सिंपली आप क्या करिए, इसे क्लिक कीजिए और आप इसे मूव करके देख सकते हैं। तो देखा आपने, हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है और यह पोज मोड में भी ऐसे ही वर्क करेगा। तो मैं आपको कैरेक्टर को मूव करके दिखा देता हूँ। सिंपली मान लीजिए वन फ्रेम पे हमारा कैरेक्टर यहाँ है, 100 फ्रेम के बाद यह यहाँ पहुँच जाएगा। सिंपली इसको 100 ही कर देता हूँ। पोज मोड में भी देखिए, अगर आपको गन वॉक साइकिल चाहिए, सिंपली आप चाहिए पोज मोड में आप यहां से वॉक साइकिल नॉर्मली बना सकते हैं। कोई सी भी एक सिंपल सी वॉक साइकिल आपको बना के दिखा देता हूं। और इसे पुश डाउन कर देते हैं। देखिए वॉक साइकिल नॉर्मली बन चुका है। अब जब आप वॉक साइकिल पर जाएंगे, इसे आप सिंपली आप 20 ही रहने दें, देन आप रिपीट कर लीजिए जहाँ तक भी आपको करना है। 100 फ्रेम तक मुझे रखना है। कैरेक्टर को हम वो करना चाहते हैं तो 0 पर यही, देन 100 फ्रेम पर यहाँ से हम वो कर लेते हैं। परफेक्ट। अब आप टाइमलाइन पर जाइए, कैरेक्टर के ऊपर कैमरा भी सेट कर सकते हैं आप चाहे तो। मैं आप सिंपली कैमरा ऐड कर लेता हूँ। कैमरा को भी की फ्रेम कर देता हूँ। रोटेशन 100 पर मैं यहाँ कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे जो हमारा कैरेक्टर है वो कुछ इस तरह से मूव करेगा। तो देखा आपने ऑब्जेक्ट कैसे हम सेलेक्ट करके कैरेक्टर को मूव करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताएं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम आपको ब्लेंडर में पूरा बना के बता देंगे। थैंक यू गाइस।